ड्रेस इन्फो प्रेजेंट करते हैं, पेट दर्द के कारण और इलाज के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पेट दर्द होने के कारण और उसमें यूज होने वाली दवाइयों के बारे में और उनके साइड इफेक्ट्स। तो दोस्तों, पेट दर्द भी आजकल एक आम समस्या बन गई है। ये पेट दर्द या गैस का बनना कई कारणों से हो सकता है, जैसे खाने में ज्यादा तला हुआ या ज्यादा मिर्च होने से, पुराना या बासी खाना खाने से, या फिर ज्यादा जंक फूड खाने से, और तो और ज्यादा पानी पीने से भी पेट की समस्याएं हो सकती हैं। और कुछ बीमारियां जैसे गैस्ट्राइटिस, जिसमें हमारे पेट की म्यूकस लेयर में जलन होने लगती है, जिससे हमें पेट दर्द होता है। ये म्यूकस लेयर हमारे पेट को एसिड से बचाती है। जब ये म्यूकस लेयर डैमेज होने लगती है तो एसिड हमारे छोटी आंत को और पेट के बाकी हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। दूसरी बीमारियां जैसे किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन और अपेंडिसाइटिस यानी आंतों में इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्रपथ का इन्फेक्शन भी पेट दर्द करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं उन दवाइयों के बारे में जो इन बीमारियों को ठीक करती है और पेट दर्द को खत्म करती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग क्लास के बारे में, जो कि पेप्टिक अल्सर को ठीक करने में यूज होती है। तो दोस्तों, पेट दर्द होने पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो आपको कुछ दवाइयां जैसे लूमेक, ओसीड या फिर ओमेसिप नाम की दवाई प्रिस्क्राइब करता है, तो उसमें ओमेप्राजोल नाम का ड्रग होता है। अगर डॉक्टर आपको दवाइयां जैसे पेंटोसिट, पेंटॉक, पेन 20 या पेन 40 या फिर पेंटोसिक नाम की दवाई प्रिस्क्राइब करता है, तो उसमें पेंटोप्राजोल नाम का ड्रग होता है। और यदि डॉक्टर आपको दवाइयां जैसे राबिसिप, राबिकाइन या फिर राबेलॉक नाम की दवाई प्रिस्क्राइब करता है, तो उसमें राबेप्राजोल नाम का ड्रग होता है। तो दोस्तों, प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग क्लास में टोटल 6 ड्रग्स आती हैं, जिसमें ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल सबसे ज्यादा यूज होती है। इनके अलावा लैंसोप्राजोल, डेक्स लैंसोप्राजोल, इस ओमेप्राजोल गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर द्वारा हुए पेट दर्द को ठीक करने में यूज होती है। लेकिन ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं, आइए जानते हैं। दरअसल हमारे पेट की सतह पर कुछ पंप्स होते हैं, जिनको हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप या फिर गैस्ट्रिक पंप कहा जाता है, जो कि नॉर्मली हमारे पेट में एसिड को 24 घंटे बनाते रहते हैं। और ये गैस्ट्रिक एसिड हमारे खाना या प्रोटीन पचाने के लिए जरूरी भी होता है। लेकिन जब हम ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं या कुछ ज्यादा मिर्च वाला या ऑयली खाना खाते हैं या ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर पेट में कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये पंप जरूरत से ज्यादा एसिड बनाने लगते हैं, जिससे ये हमारे पेट की म्यूकस लेयर को डैमेज करने लगता है और हमें गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर यानी छाले जैसी बीमारियां होने लगती हैं और पेट दर्द होने लगता है। तो जब हम ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल जैसे प्रोटोन पंप इनहिबिटर दवाई खाते हैं, तो ये इन प्रोटोन पंप्स को रोकता है, जिससे पेट में एसिड की मात्रा कम हो जाती है और पेट दर्द खत्म हो जाता है। आपको बता दें, ये दवाई तब तक काम करती है जब तक ये पंप को खत्म नहीं कर देते, और फिर पंप को फिर से बनने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं, और पंप बनने का काम लगातार चलता रहता है। इन दवाइयों को खाना खाने से 30 से 40 मिनट पहले लेना होता है, क्योंकि खाली पेट होने से प्रोटोन पंप्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे ये दवाइयां अपना पूरा काम कर सके। अगर बात करें ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल के डोज की, तो ये दोनों नॉर्मली 20 mg और 40 mg कैप्सूल्स की फॉर्म में मिलते हैं, और पेट में गैस यानी गैस्ट्राइटिस के लिए कॉमनली ये दोनों सुबह खाली पेट यूज किए जाते हैं। लेकिन इनकी डोज एक दिन की 40 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दे, ओमेप्राजोल एक ओवर द काउंटर ड्रग है, जिसको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के सीधा मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, जबकि पेंटोप्राजोल को डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। तो बात करें इनके यूसेज की, तो ये गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें पेट का एसिड बार बार हमारे गले तक आता है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जिसमें गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है, इन सब के ट्रीटमेंट में ये यूज होते हैं। अगर बात करें इनके साइड इफेक्ट्स की, तो आपको बता दें, इनके वैसे तो नॉर्मली यूज करने पे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च के अनुसार लंबे समय तक इनके यूज करने से ये आपकी हड्डियों को कमजोर कर सकता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ा सकता है। तो पेट दर्द की समस्या के इलाज में ये वीडियो था प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग्स के बारे में।
अगले वीडियो में आपको बताएंगे और दवाइयों के बारे में। तब तक जुड़े रहिए ड्रग्स इन्फो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रग्स इन्फो को। I keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna slack. I'm in like working and learning.